So hey everyone, this is Sakshi and welcome to our channel S for Success. So guys, this is my YouTube channel where you get all the educational videos of science, English and social science. So if you want my new videos, then do subscribe to my channel. Okay, so ये जो chapter है बहुत ही interesting रहने वाला है, बहुत ही easily समझ में आने वाला और बहुत ही ज़्यादा interesting है ये chapter. तो क्या है ये chapter? So let's start. हमारे chapter का नाम है The Rise of Nationalism in Europe. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस पूरे heading का मतलब क्या है कि Rise of Nationalism यूरोप. तो इस पूरे चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेशनलिज्म का राइज होता है यूरोप में. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि नेशनलिज्म क्या है, कैसे इसका राइज हुआ यूरोप में. तो इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं. तो घबराओ नहीं, यहाँ पे एक एक चीज मैं तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है फ्रेंच रिवोल्यूशन से. वो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो उससे थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है. अगर तुमने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ मैं तुम्हें एक एक चीज क्लियर करके दूंगी. ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यानी कि यहां पे हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या होती है. सो नेशनलिज्म होता क्या है? सो इट इज जस्ट अ पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री. ठीक है, यानी कि देशभक्ति की भावना को हम बोलते हैं नेशनलिज्म. ठीक है, जैसे कि हमें अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो क्या हुआ? वो हुआ नेशनलिज्म की फीलिंग. ठीक है, तो नेशनलिज्म क्लियर हुआ. नेशनलिज्म क्या होता है कि देशभक्ति की भावना को ही हम बोलते हैं नेशनलिज्म. तो अब ये जो देशभक्ति की भावना है ये कैसे जगी यूरोप में, ठीक है, तो उसी के बारे में हम अपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम यही है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है यूरोप में. और यूरोप क्या है? यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट. ये तो हम सबको ही पता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट है. और नेशनलिज्म क्या है, ये भी मैंने समझा दिया क्या है. देशभक्ति की भावना को हम कहते हैं नेशनलिज्म. अब हम अपने इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो नेशनलिज्म है ये कैसे आखिर इसका राइज हुआ यूरोप में. ठीक है, तो चलो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक. पर ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले तुम बुक में देखना कि बुक में एक इमेज, एक पिक्चर दी गई है. ठीक है, अब वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर एग्जाम में वन मार्क का क्वेश्चन में आ ही जाता है. ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ये पेंट की गई है 1848 में बाय अ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड ही इज फ्रेडरिक सॉरी. ठीक है, फ्रेडरिक सॉरी ने इस पेंटिंग को पेंट किया है और यहाँ पे इमेज में देखो यही है वो पेंटिंग. ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि इस इमेज में आखिर दर्शाया क्या गया है, इसमें क्या आखिर सिंबलाइज कर रहे हैं हमारे आर्टिस्ट. ठीक है, तो इसमें यही सिंबलाइज किया गया, यही दर्शाया गया है कि कैसे जितनी भी सारी नेशंस हैं, जितनी भी सारी स्टेट्स हैं, जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, वो नेशन स्टेट बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है. ठीक है, यहाँ पे जो इमेज में देखो सबसे आगे में तुम देखोगे तो वहाँ पे जो यूएसए है और स्विट्जरलैंड है ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो दिखाता है कि हाँ यहाँ पे हमें फ्रीडम मिल चुका है. और वहाँ पे यूएसए और स्विट्जरलैंड पहले ही आगे, उसको फॉलो कर रहा है जर्मनी, देन आयरलैंड, पोलैंड और बहुत सारी कंट्रीज पीछे हैं और बहुत सारे लोग लाइन में हैं कि अब हमें भी नेशन स्टेट बनना है, अब हमें भी फ्रीडम चाहिए. ठीक है, नेशन स्टेट बनने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है. यहाँ पे नीचे में देखोगे तो यहाँ पे नीचे में ये सिंबलाइज किया गया है कि जो राजाओं का जो सर का मुकुट होता है, जो क्राउन होता है, वो यहाँ नीचे फेंका हुआ है. तो इसका मतलब क्या कि अब यहाँ पे एंड ऑफ मोनार्की हो जाता है, यानी कि पहले तो हर कंट्री में मोनार्की रूल चलता था, हर जगह ही राजा रूल करता था. मोनार्की यानी कि किंग रूल. ठीक है, किंगशिप जहाँ पे होता था उसको हम बोलते थे मोनार्की. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो क्राउन्स वगैरह हैं वो नीचे फेंके हुए हैं. क्यों? इसे ये दर्शाया गया है कि यहाँ पे अब मोनार्की का एंड हो जाता है और अब हर कोई नेशन स्टेट बन रहा है. ठीक है, ऊपर आसमान में देखोगे तो ऊपर आसमान में जीसस क्राइस्ट यानी कि गॉड है, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ अब सब लोग नेशन स्टेट बन जाएगा. और यही ओवरऑल यही दर्शाया गया हमारे इस पेंटिंग में. इस पेंटिंग का तीन मेन पॉइंट याद रख लेना. सबसे पहले कि किसने ड्रॉ किया था, तो फ्रेंच आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया था. कौन थे वो फ्रेंच आर्टिस्ट? फ्रेडरिक सॉरी थे. कब ड्रॉ किया था उन्होंने? उन्होंने ड्रॉ किया था 1848 में. और ये पेंटिंग क्या दर्शाती है? तो ये पेंटिंग फ्रेटर्निटी को दर्शाती है. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई. अब डिस्कस करते अपना मेन टॉपिक. ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो असली चैप्टर है वो स्टार्ट होता है और तुम लोग एकदम अच्छे से बैठ के पढ़ना, बहुत ही ईजिली क्लियर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ में आने वाला और बहुत ही ईजी चैप्टर है. चिंता तो बिल्कुल भी मत करना तुमने नाइन्थ में क्या पढ़ा, उसके पहले क्या पढ़ा, तुम्हें हिस्ट्री आती है या नहीं आती है, ये सारे ख्याल अब भूल जाओ. आज अब से अब तुम्हें क्या होगा, हिस्ट्री बहुत ही इजी लगने वाली है और बहुत ही इजीली ये चैप्टर समझ में आने वाला है. ठीक है, तो अब बिना देर किए चलो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. आखिर ये जो देशभक्ति की भावना है, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है कि ये हर किसी में था कि अब तो हमें बस नेशन स्टेट बनना ही है, अब तो हम आजाद रह के ही मानेंगे, तो ये आखिर आया कैसे, कैसे सब में देशभक्ति की भावना जगी यूरोप में, जितने भी लोग थे, जितनी भी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी उस टाइम पर, तो आखिर उन सब में आखिर ऐसा क्या हुआ था उस टाइम
टाइम पर कि उन लोगों में ये नेशन स्टेट का भावना जगा कि नहीं अब तो हमें नेशन स्टेट बनना है, हम सब में नेशनलिज्म की फीलिंग है, हम अब नेशन स्टेट बन के ही रहेंगे। तो ऐसा आखिर हुआ क्या? तो हुआ ये कि ये आइडिया आया था फ्रेंच रिवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, 9th क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर था द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसमें ही हमने पढ़ा था। अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो देखो मैं फ्रेंच रिवोल्यूशन इन शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि तुम्हें बस ये चैप्टर क्लियर हो जाए, और हम पूरा डिटेल में तो फ्रेंच रिवोल्यूशन नहीं पढ़ सकते, बट शॉर्ट में मैं ऐसा समझा दूंगी कि तुम्हें ये चैप्टर से रिलेट करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि वहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन लोगों को था कि नहीं अब हमें राजा का रूल नहीं चाहिए, हमें अब अच्छे से फ्रीडम दे दो, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें राइट टू वोट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब वो लोग बस था कि मुझे अब आजादी चाहिए, मुझे अब ये राजा का रूल नहीं चाहिए। ठीक है, पहले फ्रांस में था मोनार्की, यानी कि राजतंत्र था, यानी कि राजा रूल करता था। लुई द 16 था राजा और उसकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट। ये दोनों मिलके पूरे फ्रांस पर राज करते थे, पूरे फ्रांस को रूल करते थे, और इतने गंदे तरीके से रूल करते थे कि सारे फ्रांस की सारी जनता परेशान थी इन दोनों से। ठीक है, और उसी के बाद इन लोगों ने बहुत सारे रिवोल्यूशन किए, बहुत सारा जंग लड़ा, बहुत सारा लड़ाई हुआ, बहुत सारा मारपीट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों को थोड़ा फ्रीडम मिला। ठीक है, उसके बाद इनके हाथ में आ गई पावर, उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने लीडर सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, इन्होंने क्लब्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिए। ये सारी चीजें हुई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन में। ठीक है, और उसी फ्रेंच रिवोल्यूशन का आइडिया लेते हुए, उसी फ्रेंच रिवोल्यूशन को देखते हुए हमारे ये जो यूरोप के और भी जितने भी कंट्रीज थे, उन लोगों ने देखा कि जब फ्रांस को आजादी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं, हम क्यों ये राजा का राजतंत्र झेले, हमें भी तो इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसीलिए ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये आई थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि द फर्स्ट एंड क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। अभी मैंने समझाया कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशनलिज्म का ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, वो कैसे आया था, वो आया था फ्रेंच रिवोल्यूशन से। और फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था कब, 1789। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कुछ याद रखना ना रखना फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, ये पॉइंट जरूर याद रखना कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था। सो द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज इन 1789। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। फ्रेंच रिवोल्यूशन से ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थी, यानी कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज में जो ये लोग नेशनलिज्म का झंडा लेके चल रहे थे कि अब तो हमें नेशन स्टेट बनना ही है, तो वो आया था फ्रेंच रिवोल्यूशन से। ठीक है, लोगों को लगा कि जब फ्रांस के लोगों को इंडिपेंडेंस मिल सकता है तो हम यूरोप के लोगों को क्यों नहीं, तो इसी की वजह से आया था ये नेशनलिज्म की फीलिंग। ठीक है, अब देखो, अब जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तो आखिर क्या क्या चेंजेस आए थे फ्रांस में। तो अब जैसे कि कोई भी रिवोल्यूशन होता है तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना, तो अब ये जो फ्रांस में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद वहां पे बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए। ठीक है, और उन्हीं सारे अच्छे अच्छे चेंजेस को देख के यूरोप के भी लोगों ने सोचा कि अब हमें भी अब नेशन स्टेट बनना है। ठीक है, अब कौन कौन से अच्छे अच्छे चेंजेस आए थे, तो देखो द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब हम मेजर चेंजेस को पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेजर चेंजेस आए फ्रेंच रिवोल्यूशन में। पहला चेंज क्या था, द पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू द कॉमन पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज और सबसे अच्छा चेंज था यह, क्या था कि द पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल, यानी कि जो पावर थी, जो जितना भी शक्ति था, वो सारा शक्ति किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया मोनार्की से उठा के कॉमन पीपल को, आम जनता को दे दी गई। यानी कि राजा का जितना पावर था, राजा का सारा पावर ले लिया गया, और वो सारा पावर दे दिया गया कॉमन लोगों को, आम लोगों को, आम जनता को दे दिया गया। अब इससे जो लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे। अब देखो पहले, देखो पहले क्या था कि पहले सारा उनका सारा पावर दे दिया गया था मोनार्की को, यानी कि सारा पावर था राजा के पास। अब क्या हुआ, अब वही राजा का सारा पावर अब जनता के बीच आ गया, तो अब जनता तो इससे खुश होगी ही ना, तो ये सबसे अच्छा चेंज था। सेकंड चेंज क्या आया कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे कि क्या हुआ कि अब राजा का पावर तो उठा के दे दिया गया कॉमन लोगों को, अब कॉमन लोगों में भी तो कोई लीडर होना चाहिए ना रूल करने के लिए, अब हर कोई एक दूसरे को तो रूल नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई, और उसके बाद स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, और उसको नाम दिया क्या, उसको नाम दिया नेशनल असेंबली। और अब नेशनल असेंबली उन लोगों को रेगुलेट कर रही थी, और जैसे लोग चाहते थे वैसे उनकी नेशनल असेंबली थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये दूसरी चेंज थी। तीसरा चेंज क्या हुआ, टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, आइडियाज लाइक ला पैट्री, द फादरलैंड एंड लेस सिटोरियन द सिटीजंस वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो, अब फ्रांस में क्या था, तो फ्रांस में होता था बहुत सारा जाति भेद। ठीक है, अब जाति भेद कैसे, कि जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, वैसे फ्रांस में भी कास्ट सिस्टम था। कैसे था, वहाँ पे थे तीन कम्युनिटी के लोग, पहला था नोबिलिटी, दूसरा था क्लर्जी, और तीसरा था ऑल अदर। ठीक है, नोबिलिटी में आते थे वो जो राजघराने के लोग थे, वो जितने राजा रानी महाराज ये लोग थे, वो लोग आते थे नोबिलिटी में। दूसरा था क्लर्जी, क्लर्जी में आते थे वो सारे जैसे कि पंडित वगैरह जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, तो वैसे जो भी फादर थे चर्च के, जो फादर रहते वो लोग आते थे क्लर्जी कम्युनिटी में। ठीक है, और जो तीसरा ग्रुप था उसमें थे बाकी के
सारे लोग, ठीक है, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़कर बाकी के जितने लोग थे वो आते थे हमारे थर्ड स्टेट में। तो अभी यही सारे जो जाति भेद था तो उसको ही मिटाने के लिए कॉमन आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी गई फ्रेंच पीपल को। ठीक है, यहाँ पे हमारे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया, टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम लोग अलग अलग नहीं है, वी ऑल आर सेम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लर्जी कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, अब हम सर और मैडम का यूज नहीं करेंगे। पहले क्या था ना कि पहले रिच पीपल को ये लोग सर और मैडम बोलते थे, ठीक है, पर अब इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कोई रिच पुअर नहीं, कुछ नहीं, अब हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यूज करेंगे। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने दो आइडियाज दिए, पहला तो आइडियाज लाइक ला पैट्री यानी कि द फादरलैंड, जैसे कि हम भारत को बोलते हैं कि भारत हमारी माता, वैसे ये लोग फ्रांस को बोलते हैं कि फ्रांस इज आवर फादरलैंड। ठीक है, फ्रांस हमारा पिता है, ठीक है, पिता के समान है, जैसे हम लोग भारत को माता का दर्जा देते हैं वैसे ये लोग फ्रांस को पिता का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो उसको इन लोगों ने बोला कि टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल आइडियाज लाइक ला पैट्री यानी कि द फादरलैंड एंड ले सिटोयन यानी कि द सिटीजंस वर इंट्रोड्यूस। अब कोई सर और कोई मैडम नहीं होगा, अब हर कोई सिटीजन है और अब हम सबको ले सिटोयन ही बोलेंगे, कोई सर कोई मैडम नहीं, फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम उसके सिटीजंस है, बस हमें इतना ही पता है। तो ये एक और चेंज आया था। अब नेक्स्ट चेंज क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉज वर इंप्लीमेंटेड। अब पहले फ्रांस में क्या था, पहले फ्रांस में बहुत अनफेयर चलता था, राजा को जो मन करता था वो करता था, उसको जो अच्छा लगता था वो वैसा ही करता था, वो फेयर अनफेयर देखता ही नहीं था और उसको वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज को रूल करता था। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया और साथ ही साथ यूनिफॉर्म लॉज को भी इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पैरिस। उसके बाद जो फ्रेंच थी उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, क्यों, क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी वो सबसे ज्यादा लिखी जाती थी और सबसे ज्यादा बोली जाती थी पैरिस। पैरिस क्या है, पैरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल सिटी थी पैरिस और पैरिस में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली और लिखी जाती थी वो थी फ्रेंच और इसीलिए फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे एक न्यू फ्रेंच फ्लैग को भी लाया गया, जो अभी तक फ्रांस का जो फ्लैग है वो यही था, जो ट्राई कलर आया था उस टाइम पर वो आज तक वो वही फ्लैग रहा है। ठीक है, तो ये सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए थे और इन्हीं सारे अच्छे अच्छे चेंजेस से जो हमारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के जो पीपल थे वो अट्रैक्ट हुए और उन लोगों ने सोचा कि अब हमें भी नेशन स्टेट बनना है और सब नेशनलिज्म की फीलिंग लेके घूम रहे थे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ था ना कि जब ये फ्रांस में जो पूरा फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम पे ये बहुत पुरानी बात की जा रही है। ठीक है, ये कब की बात है, ये बात है 1789 की, यानी कि सोचो कितनी पुरानी बात है। तो उस टाइम पे लोग एक तो पहले उतने ज्यादा जागरूक नहीं हुआ करते थे और दूर देश में क्या चल रहा है उस टाइम उन लोगों को उतना कुछ पता भी नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम पे ना रेडियोस थे ना टेलीविजन थे, तो इतना कुछ था नहीं, तो उन लोगों को पता नहीं चलता था। तो अब ये फ्रांस के बारे में उन लोगों को इतना कुछ पता कैसे चला, इतना कुछ आखिर कैसे वो लोग जान पाए कि ये हुआ था फ्रांस में। तो हुआ क्या कि जो फ्रांस के लोग थे, जब उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया, जब वो लोग नेशन स्टेट बन गए, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं सबको नेशन स्टेट बनाए, सबको उनका फ्रीडम और उनका इंडिपेंडेंस मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सोचा फ्रांस के लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया, द रिवोल्यूशनरीज फेल्ट दैट इट वाज देयर मिशन टू हेल्प द पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन स्टेट। ठीक है, यानी कि जो रिवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच रिवोल्यूशन में, जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने सोचा कि ये हमारा मिशन है कि हम यूरोप के जितने भी कंट्रीज है सबको नेशन स्टेट बनाए, और इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि इन फ्रांस एंड अदर यूरोपियन सिटीज स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद एजुकेटेड मिडिल क्लास फॉर्म्ड अ क्लब नोन एज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब को उन लोगों ने फॉर्म किया, किन लोगों ने फॉर्म किया, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक जैकोबिन क्लब फॉर्म किया और वो लोग हर देश में जाते थे और ऐसे फ्रेंच रिवोल्यूशन का गुणगान गाते थे और सबको ऐसे जागरूक करते थे कि तुम लोग भी अब नेशन स्टेट बनो, और ऐसे ही आइडिया आई और ऐसी ही फीलिंग्स आई नेशनलिज्म की, और इसी तरह से लोगों के मन में ये ख्याल आया कि अब हमें भी नेशन स्टेट बनना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए थे, अभी हमने पढ़े ये सारे चेंजेस, और हाँ, ये सारे चेंजेस जो अभी मैंने पढ़ाए थे इसके जस्ट कुछ मिनट्स पहले, उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, उसमें दो पॉइंट, तीन पॉइंट या पांच पॉइंट, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उतने पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, तो अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आए थे, और अब जो फ्रांस में जो मोनार्की था वो हट जाता है और मोनार्की के बाद वो लोग थोड़ा रिपब्लिक बनने की तरफ वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग रिपब्लिक बन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिर से एक नया लीडर आ जाता है, उसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। एंट्री ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट हो जाता है फ्रांस में। ठीक है, अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा बिहेव करता है कि मैं बहुत तो अच्छा हूं, पर उसके बाद वो अपना रंग दिखाने लगता है और उसके बाद लोग उससे इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसको मार देते हैं बैटल ऑफ
वाटरलू में उसको मार दिया जाता है और फिर वो मर जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब जब नेपोलियन आया फ्रांस में और वो कब तक रूल किया और उसके मरने तक के बीच में जितना भी टाइम था उसमें फ्रांस में बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। अब वो क्या चल रहा था तो उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या हुआ, इसमें हुआ एंट्री ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये एक रूलर था, ये एक लीडर बन के आया फ्रांस में। जब फ्रांस को इंडिपेंडेंस मिल गया, फ्रांस ने एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा दिया, जब राजतंत्र हट गया तो अब क्या हुआ कि अब फ्रांस में कोई लीडर चाहिए था, तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट आता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं क्योंकि उसने कुछ कुछ अच्छी बहुत सारी अच्छी काम की होती है, ठीक है। लेकिन स्टिल अच्छे काम करने के बाद उसने कुछ इतने बुरे काम भी कर दिए होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो देखो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो चला था 1789 से 1799 तक, यानी कि 10 साल का फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और 1799 यानी कि 10 साल बाद जाके खत्म होता है, ठीक है। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी एंट्री होती है 1799 में, यानी कि जैसे ही हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है वैसे ही जो नया लीडर बन के आता है, जो नया लीडर उभर के आता है वो कौन रहता है, वो रहता है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। अब स्टार्टिंग में लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अब लोग उसको क्यों पसंद करते हैं क्योंकि इसको पसंद करने के रीजंस भी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजंस थे। लोगों को जो चाहिए था वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, वो लोगों को वो दे रहा था, ठीक है, और बहुत अच्छा बन रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में इसने इतनी बेकार बेकार सी काम कर दी जिसकी वजह से लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। तो पहले तो पढ़ लेते कि इसने क्या क्या अच्छे काम किए, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करते थे। तो देखो अब एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। अब याद रखना 1789 में, लिखते जाओ कॉपी पर, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ, चला कब तक, चला 10 साल तक, 1799 तक चला, ठीक है। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है, आने के बाद वो थोड़ा दिन आराम करता है, उसके बाद 1804 में वो एक नया अपना एक कोड लाता है, ठीक है। वो अपने बहुत सारे लिस्ट ऑफ रूल्स निकाल देता है, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट निकालता है उसमें बहुत सारे उसके रूल्स लिखे रहते हैं, ठीक है, 1804 में। और उसी लिस्ट ऑफ रूल्स को हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 और सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, नेपोलियन आया 1799 में और उसने थोड़ा दिन आराम किया और उसके बाद 1804 में उसने अपना एक कोड लाया जिसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो कोड था वो आया था 1804 में। अब वो कोड क्या था, वो कोड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखी थी, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स थी उसमें। अब क्या क्या रूल्स थी, सबसे पहले देखो, इट ब्रॉट एन एंड टू ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। फ्रांस में जो लोगों को जन्म से जो प्रिविलेजेस दिया जाता था, यानी कि अगर तुम देखो फ्रांस में, अभी मैंने बताया था कि तीन कैटेगरी के लोग थे, पहले तो नोबिलिटी थे मतलब कि राजा घराने से लोग थे, फिर थे क्लर्जी कम्युनिटी और फिर थे बाकी के सारे लोग। ये जो राज घराने के लोग थे और ये जो क्लर्जी कम्युनिटी के लोग थे यानी कि जो फादर वगैरह थे, इन लोगों को क्या था कि इन लोगों को प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ दी जाती थी। बचपन से इन लोगों के पास प्रिविलेजेस थे, यानी कि इनको बहुत सारा प्रॉफिट दिया जाता था बचपन से, ठीक है। अगर तुम क्लर्जी कम्युनिटी के हो, अगर तुम नोबिलिटी के हो, नो मैटर तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम लिखने में अच्छे हो, तुम्हें जॉब दे दी जाएगी, तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, तुम हमारे राजा हो, ये हो वो हो, मतलब उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस थी, तुम किसी को भी अपने अंडर नौकर की तरह रख सकते हो और बहुत सारा प्रिविलेज था। तो जब ये नेपोलियन आया इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने सारे प्रिविलेजेस को हटा दिए जो बर्थ से दी जाती थी। अब इससे जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि खुश होने वाली तो बात है, यानी कि प्रिविलेजेस, जितने भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे जन्म से, जो जन्म से अधिकार दिया गया था वो क्लर्जी कम्युनिटी और नोबिलिटी कम्युनिटी के लोगों को, तो वो हटा दिया जाता। और इससे अब ये जो थर्ड स्टेट लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसने बोला कि अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सब लोगों को इक्वालिटी दी जाएगी, सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि लॉ होगा और लॉ सबको इक्वल ट्रीट करेगा, ना इसको ज्यादा ना इसको कम। फिर होगा राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन, अब राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया, यानी कि पहले क्या था कि पहले जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें सारे लोग आते थे, क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़कर जितने सारे लोग थे, उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता था, उनके पास वो भी अपना जमीन उनके पास नहीं हुआ करता था, वो सारा जमीन या तो क्लर्जी का होगा या तो वो नोबिलिटी कम्युनिटी का होगा। तो ये दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन। फिर अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फिर फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया। उसके साथ ही साथ एक और चीज हुई कि फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। अब इसने एक बहुत अच्छा काम किया, क्या कि जितने भी पीजेंट्स थे, पहले के ज़माने में क्या था ना कि पहले में सर्फडम चलता था, ठीक है, सर्फडम यानी कि स्लेवरी, यानी कि ये लोग पीजेंट्स को स्लेव बनाते थे, नौकर बना लेते थे कि ठीक है तुम पीजेंट हो, अब ये जो हम मैं क्लर्जी कम्युनिटी का हूँ तुम अब मेरे अंडर काम करोगे, तुम मेरे नौकर हो आज से, ठीक है। जो स्लेवरी थी इससे पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया। फिर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ठीक है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बहुत सारे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तो वो सारे रिमूव कर दिए गए। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर, अब जो वेट और मेजर था फ्रांस में ना बहुत सारा लोजा था, क्या था ना
कि वेट और मेजर भी वहां पे स्टैंडर्डाइज नहीं थे। अब जैसे फ्रांस की सिटी में क्या था कि एक सिटी में क्या होगा कि 1 मीटर क्लॉथ यानी कि 100 सेंटीमीटर, पर वहीं पे फ्रांस की दूसरी सिटी में 1 मीटर क्लॉथ यानी कि 50 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलेगा तुम्हें। तो देख रहे हो कितना ज्यादा अनइवन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हटा के स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स और मेजर किया गया। उसके बाद फिर क्या था कि कॉमन नेशनल करेंसी, अब वहां पे फ्रांस में टोटल 30 करेंसीज थी, एक देश के अंदर 30 करेंसी। सोचो मतलब हमारे इंडिया में हमारे पास 1 इंडियन रुपी है, सारा कॉइन सारे पैसे हमारे रुपीज में ही होते हैं, पर फ्रांस में क्या था 30 टोटल करेंसी थी। अब उन सारे करेंसी को हटाया गया और एक नेशनल करेंसी लाई गई, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर यूनिफॉर्म लॉज वर इम्प्लीमेंटेड, अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म लॉज ला दिए गए, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। तो देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे काम किए थे ये नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऐसे ही लोग इसे नहीं पसंद करते थे, इसको पसंद करने के पीछे बहुत सारा रीजन था, और वो बहुत यही सारा रीजन था। और हाँ, ये नेपोलियन ही कोड आता ही आता है एग्जाम में, श्योर एंड सर्टेन आएगा। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि बताओ नेपोलियन ने कोड क्या था, और उसके 5 पॉइंट्स तुम्हें लिखने होंगे। तो इन 10 पॉइंट्स में से कोई सा भी 5 पॉइंट तुम लिख दोगे, तुम्हें 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये एकदम अच्छे से लर्न कर लेना नेपोलियन कोड क्या था। नेपोलियन कोड को ही हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। अब देखो, अब नेपोलियन ने इतना अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन इसके बाद लोग इससे बहुत परेशान होने लगे। अब परेशान क्यों होने लगे, क्योंकि इसने इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद कुछ बुरे काम भी कर दिए। कोई इंसान अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो साथ ही साथ कुछ बुरा भी काम करता है, पर ये नेपोलियन ने कुछ इतना ज्यादा बुरा कर दिया कि इसके बुरे काम ने ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया और इसका अच्छा काम दब गया, ठीक है। अब इसके बुरे काम ने क्या क्या किया, सबसे पहले तो इसने इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स इंक्रीज कर दिया। लोगों को हर चीज़ पर टैक्स देनी पड़ती थी, ब्रेड पे, सॉल्ट पे, राइस पे, जितनी भी चीज़ थी, जितनी भी उनकी जो डेली कमोडिटीज़ थी, उन सब पे टैक्स, और भर भर के टैक्स लेने लगाइए। अब जो बेचारे गरीब लोग, वो इतने सारा टैक्स, वो इतना ज़्यादा टैक्स देंगे कैसे। तो सबसे पहले तो लोग अभी टैक्स से परेशान थे। अभी जब टैक्स ये लोग परेशान थे कि इसने क्या किया, इसने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। अब सेंसरशिप क्या होता है, तो देखो जैसे कि लोग परेशान है नेपोलियन से, ठीक है, इसने टैक्स इंक्रीज कर दिया, लोग परेशान हो गए। तो अब जो राइटर होगा, जो न्यूज़ होगा, जो न्यूज़ रिपोर्टर होगा, जो न्यूज़पेपर में जो जर्नलिस्ट होंगे, ये लोग तो मेंशन करेंगे कि जो हमारा नेपोलियन है ये टैक्स इंक्रीज करते जा रहा है, ये करते जा रहा है, वो करते जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे लोगों के बीच में होगा कि अरे नेपोलियन तो बहुत बदमाश है, ये तो टैक्स इंक्रीज करते जा रहा है, तो इससे लोग उसको हेट करने लगेंगे। तो इसने क्या किया, इसने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप क्या होता है कि अब कोई भी नेपोलियन के बारे में बुरा नहीं बोल सकता है, बुरा नहीं लिख सकता है, बुरा नहीं टीवी में दिखा सकता है, कुछ बुरा नहीं कर सकता है। मतलब नेपोलियन के बारे में अगर किसी को लिखना है तो वो अच्छा ही लिखेगा, और उसके परमिशन से लिखेगा, बिना उसके परमिशन के कुछ भी आप प्रिंट नहीं कर सकते, कोई बुक में आप उसके बारे में नहीं लिख सकते, कोई न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकते, कोई जनरल कोई स्क्रिप्ट को कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये था सेंसरशिप। तो इसने टैक्स सबसे पहले इंक्रीज किया, उसके बाद सेंसरशिप लगा दिया, उसके बाद इसने जो तीसरा काम किया वो इससे भी खराब किया। इसके बाद क्या किया इसने कि फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, अब ये जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज में लेने लगा। अब जैसे कि क्या था फ्रांस में कि अब जैसे किसी के घर बच्चा हुआ नहीं कि इसने पहले ही बॉन्ड साइन करा के रखा था कि अगर तुम्हारे घर बेटा होगा तो तुम्हें उसे किसी भी जॉब में नहीं भेजना, तुम्हें उसको मेरी आर्मी में भेजना है, और ये बॉन्ड साइन होती थी उस टाइम। तो अब लोग इससे इतने परेशान, मतलब एक तो बच्चा भी हुआ नहीं और ये बॉन्ड साइन कराने लगा कि अब जो भी तुम्हारा होगा वो फ्यूचर में जब भी हो वो उसको फ्रेंच आर्मी ही ज्वाइन करना है। तो इसकी ये तीन जो ड्रॉबैक्स थे, ये सबसे मेन ड्रॉबैक्स थे, और ये भी आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। तो सबसे पहले तो था इंक्रीज टैक्सेशन यानी कि टैक्स इंक्रीज कर देना, दूसरा था हमारा सेंसरशिप, इसने सेंसरशिप लगा दी यानी कि कोई भी कुछ बुरा नहीं लिख सकता है नेपोलियन के बारे में, और तीसरा क्या था कि फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, इसने जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज में लेना स्टार्ट कर दिया था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो नेपोलियन था उसको इन लोगों ने रूल से हटा दिया, और नेपोलियन की मौत हो गई 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को मार दिया गया था, और उसके बाद नेपोलियन की एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा ग्लिम्स था फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसी चैप्टर के मेन थीम से, यानी कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि अब यूरोप में जो नेशनलिज्म होता है वो कैसे आखिर बनती है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो आई होप आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और उसके बाद से हमारा वो जो थीम्ड वाला चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ग्लिम्प्स था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे आइडिया मिला लोगों को, कैसे यूरोपियन लोगों को आइडिया मिला और क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था नेपोलियन कोड, एग्जाम में हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है, लिख के ले लो और अच्छे से तुम लोगों को ये याद कर
लेना और ड्रॉबैक्स भी आते हैं, ठीक है। और उसके पहले जो हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मेजर क्या क्या चेंजेस आए थे, उसके भी 5-6 पॉइंट्स याद कर लेना, वो भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभार। सो आई होप आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।